हेलो दोस्तों, लो समझ लो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमने अभी फर्स्ट सीरीज में, जो इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज चलाया था, उसमें टोटल हमने 15 वीडियो अपलोड किया था। 15 वीडियो के अंतर्गत हमने 750 क्वेश्चन अपलोड कर दिया था, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस बार भी हमने जो सेकेंड सीरीज चलाया है, इसमें टोटल हमने टारगेट रखा है कि आपको इसमें भी 1000 से अधिक क्वेश्चन कराया जाए। तो दोस्तों, लगभग हम 1500 से अधिक क्वेश्चन कराने वाले हैं, 1500 से अधिक क्वेश्चन कराने वाले हैं, लगभग 2000 क्वेश्चन करीब होंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये मेरा पार्ट नंबर 4 वीडियो है, 4 वीडियो है। इसके पहले हमने 15 वीडियो अपलोड कर दिए, इसमें के 3 वीडियो अपलोड कर दिए, इसका मतलब टोटल 15-18 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका पर्यावरण अध्ययन से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों, ये पर्यावरण में ही नहीं, अगर आप BA, BSc, BCom पर्यावरण का एग्जाम देते हैं तो उसमें उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। और अगर आप टेट, सुपर टेट या TET या BEd का एग्ज़ाम देते हैं, या रेलवे, SSC, UPSC, IAS, PCS, बैंक, किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो GS के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन पर्यावरण के GS में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए भी जो टेट, बीएड, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जीएस, जीके जो बड़ी मात्रा में पूछा जाता है, वो पर्यावरण के क्वेश्चन से ही काफ़ी आता है। जैसे अभयारण्य हो गया, नदियाँ हो गई, उद्यान हो गया, ये सारे क्वेश्चन जीएस के अंतर्गत पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में भी और पर्यावरण में भी। तो दोस्तों, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जो इसका PDF है वो डिस्क्रिप्शन में हमने अवेलेबल करा दिया है, बिल्कुल फ्री में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ सारे वीडियो का PDF एक साथ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बताना सभी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, MP, इसको MP भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी क्या होती है? भोपाल। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो वहाँ बाघों की संख्या थी और यहाँ सर्वाधिक उद्यान है, तो कहाँ पाई जाती है जल्दी से बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। दोस्तों, कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं ये वाला कि दाची ग्राम, ये दाची ग्राम लिखा होता है, दाची ग्राम, ठीक, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताना सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बा, जम्मू कश्मीर। बा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेल नहीं है, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। देखिए, सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर केरल में, देखिए गलत क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है कि बांदीपुर केरल में नहीं पाया जाता। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांदीपुर, ये केरल में नहीं। कार्बेट उत्तरांचल या उत्तराखंड में, मानस असम में, हमने बताया था। तो याद रखना है दोस्तों कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सा, सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि विश्व का कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त किया गया है, बताना है सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो आ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान, सभी को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान, सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा 6, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये है कहाँ पे? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में अभी हमने बताया उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में। अब काजीरंगा कहाँ पे है? सभी को पता होगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए असम में है, और यहाँ मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में पाया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित नहीं है? तो बताना है सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नाम दफा। ये कहीं कहीं दफा लिखा रहता है, कहीं कहीं डाफा लिखा रहता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर प्रोजेक्ट के लिए संबंधित नहीं है। आगे देखेंगे कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको मिलान करना। इधर जीव मंडल कोष दे दिया गया है और इधर राज्य दे दिया गया है, तो बताना है आपको कि कौन सा मिलान नहीं है, सुमेलित नहीं है। नीलगिरी कर्नाटक, नोकरेक मेघालय, मानस असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी। जो दोस्तों नीलगिरी है ये कर्नाटक राज्य में नहीं स्थित है, ठीक है, और नामदफा अरुणाचल में है, मानस असम में है, और नोकरेक मेघालय में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आ, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए व्यूअर्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। कहाँ पे है? नेपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट आता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। राइट आंसर सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरियार अभयारण्य स्थापित है, तो बताना है सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में। पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थापित है? केरल राज्य में। बापा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा दा, तमिलनाडु। दा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। आगे देखते हैं कि भारत में जंगली भैंसे पाए जाते हैं, भारत में जंगली भैंसे कहाँ पाए जाते हैं, किस उद्यान में पाए जाते हैं, बताना सभी को। तो ये जंगली भैंसे पाए जाते हैं भारत में, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, ये डाउट हो, उसको कमेंट बॉक्स में बताना। और जो क्वेश्चन आपको तैयार हैं, जिनका आंसर आपको पहले से आ रहा है, तो हमारे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके वो क्वेश्चन कॉन्फिडेंस में हो जाएंगे कि नहीं ये क्वेश्चन हमें आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झूम खेती प्रायः की जाती है, झूम खेती प्रायः की जाती है, तो बताना है सभी को किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदिवासियों के द्वारा झूम खेती की जाती है, याद रखेंगे सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक। रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। सुंदरवन कहाँ है? असम में। और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा सा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस सा वाला, क्योंकि सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बाकी और सही है, रणथंभौर यानी राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में। बांदीपुर कर्नाटक में पाया जाता है, और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में पाया जाता है। ये केवल सुंदरवन जो है सुंदरवन या असम में नहीं पाया जाता, बल्कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो याद रहेगा आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा एक सुमेलित है, इसमें बताना कौन सा एक सुमेलित है। बांदीपुर अभी हमने बताया, बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में, लाल पांडा के लिए। काजीरंगा जंगली गधे के लिए। रणथंभौर चीता के लिए। और सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों उद्यान राजस्थान में, याद रखना है सभी को, ये हाथी के लिए। तो बताना है आप कौन सा सही आंसर है, तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
स रणथौंबर यानी चीता। चीता सही रहेगा। काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए है। बांध ये लाल पांडा असम का राष्ट्रीय पशु है, ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में शेर को रखा जाता है, बताइए दुधवा, कार्बेट, काजीरंगा, गिरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा द गिरी। और गिर कहाँ पे है? गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात। तो याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा द, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। ये विश्व धरोहर स्थल नहीं घोषित किया गया है, तो याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताना है ये राष्ट्रीय उद्यान तैर रहा है दोस्तों जल में, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो बताना है सभी को। राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, वीडियो को लाइक कीजिए अभी लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरवन कहाँ स्थित है, सुंदरवन कहाँ स्थित है तो बताइए। अभी हमने बताया था कि सुंदरवन कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। तो दोस्तों ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में जीएस के अंतर्गत पूछे जाते हैं और बीए बीएससी बीकॉम के पर्यावरण के अंतर्गत यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।